और हम चलाए जा रहे थे भाई उस तरफ ही, इतने में सामने से इनोवा वाला आया और ठप से पूरा ठोक गया गाड़ी को। वही 57 लीटर है टोटल अपना, 1910 बात का समझ लो। कितना सस्ता डीजल है ना, 33 रुपीज। हेलो जी, हेलो, की हाल चाल आप सभी के। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 27 फरवरी 2024। मैं हूँ अभी थाईलैंड के खूबसूरत शहर चियांग खान में, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम 11 देश कवर करेंगे एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी को चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो बहुत ही ज़्यादा एपिक वाली रोड ट्रिप होने वाली है भाई। जैसे आपने लंदन ट्रिप को सपोर्ट दिखाया, वैसे ही इसमें लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। अभी कर रहे हैं भाई फटाफट से चेकआउट, क्योंकि आज भाई हम जाने वाले हैं थाईलैंड के स्विट्जरलैंड में। जी हाँ भाई, एक ऐसा शहर जिसे स्विट्जरलैंड बोला जाता है, और वो भी थाईलैंड में। सोचो, तो चलते हैं, हम भी घूमते हैं, आपको भी घुमाएंगे। पहले पैकिंग शैकिंग कर ली जाए। चलो जी, चलो, सामान वगैरह सब कुछ फिट कर दिया। कल मैं ये खरीद लाया था भाई, ये एक सेंटेड जेल गाड़ी के लिए, क्योंकि अपने वाला जो था वो ख़त्म हो गया, तो उसमें से खुशबू आती नहीं है। और एक ये अंगूर का पैकेट लिया था भाई रस्ते में, एंड बटर और ब्रेड। पता ही आपको, इस शहर में कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, तो भाई मतलब सुबह सुबह कुछ बना तो सकते नहीं थे, इतना टाइम नहीं होता, तो ब्रेड बटर और अंगूर ही खा लेंगे, पेट भर जाएगा उससे काफ़ी सही। बाकी ये था भाई अपना होटल। होटल क्या मतलब, एक तरह का विला या अपार्टमेंट था। एक बेडरूम ये है, यहाँ किचन है, और ये सेकंड बेडरूम है भाई। लेट्स गो भाई, लेट्स गो, चलते हैं। काफ़ी सस्ता था भाई, 850 बात का एक नाइट का, तो 1900 या 2000 रुपए के आसपास लगा लो। अच्छा सर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई लोग, आप सबको तो पता ही है मुझे ट्रैवल करना कितना ज़्यादा पसंद है, और अगर नहीं भी पता ना तो मेरा भाई एक बार चैनल पे जाके वीडियो स्क्रॉल कर लो, आपको पता चल जाएगा। बट एक ना भाई बहुत कॉमन सवाल है जो मेरे से पूछा जाता है कि अनमोल भाई आप अपने ट्रैवल एक्सपेंसिस कैसे मैनेज करते हो। इसका जवाब है भाई, एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग पैसिव इनकम, जो कि भाई ईजी भी हो एंड स्टेबल भी। एंड भाई लोग, क्वाइन डिपो एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो कि क्रिप्टो एंड डिजिटल एसेट्स को इन्वेस्ट करने का एक नया तरीका देता है, और वो बिना किसी ट्रेडिंग या मार्केट वॉच के। यहाँ पे ना आप अपने क्रिप्टो एंड स्टेबल कॉइन्स को हाई इंटरेस्ट अकाउंट्स में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हो, मतलब भाई 12% पर एनम से 24% पर एनम तक। और सबसे अच्छी बात, ये प्लेटफॉर्म ना भाई एंटरप्राइज ग्रेड मल्टी लेवल सिक्योरिटी सिस्टम के साथ फुल प्रूफ एंड इंश्योर्ड है। इसमें ना आपको मार्केट में सबसे ज्यादा एडवांस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स मिलते हैं, जिससे फायर ब्लॉक्स INC जैसे पार्टनर्स भी एसोसिएटेड है, और साथ ही साथ यहाँ पे ना विड्रॉल्स करना भी काफी ज्यादा ईजी है भाई। और हाँ, क्वाइन डिपो ने ना मेरे ट्रैवल एंथुसियास्ट सब्सक्राइबर्स के लिए ऑफर दिया है, अगर तो आप कॉइन डिपो के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हो ना, तो आपको मिलता है एक स्पेशल 10 USD का बोनस बिल्कुल फ्री। इस ऑफर को पाने के लिए ना सिर्फ अकाउंट क्रिएट करते वक्त मेरा प्रोमो कोड ये आपको स्क्रीन पर मिल रहा होगा, ये यूज करना है भाई, और इसको यूज करके रजिस्टर कर लेना भाई। तो भाई अब बिल्कुल भी वेट मत करो, टेक दैट ड्रीम वेकेशन बाय रजिस्टरिंग ऑन कॉइन डिपो, जिसका लिंक ना मैंने नीचे भाई डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हैप्पी इन्वेस्टिंग। ओए होए 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 होए, क्या मस्त भाई खुशबू है, मजा आ गया गाड़ी में। ओए होए, इसको अब ऐसे लगाते हैं। वैसे तो ये गाड़ी के लिए नहीं है, शायद से ना घर के लिए है, बट ठीक है कोई नहीं। और गाड़ी गंदी भी बहुत हो रही है, बैंकॉक में सोच रहा हूँ मैं, जब पहुंचेंगे तो धुलवा लेंगे। अभी फिलहाल आज का जो हमारा सफर है ना, वो है भाई यहाँ चियांग खान से लेके खाओ खो, ये देखो ये है जगह का नाम जो स्विट्जरलैंड बोला जाता है, और 217 किलोमीटर है, 3 घंटे 40 मिनट दिखा रहा है मोटा मोटा, तो पहुंच जाएंगे टाइम से। निकलते निकलते 2 बज गए हैं भाई, वो यार 6-7 तो बज ही जाएंगे पहुंचते पहुंचते, फिर होटल ढूंढेंगे 8-9 बजे। करेक्ट, थाईलैंड में भी ना भाई यूरोप और यूके की तरह जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन चलती है ना भाई, प्रॉपर इस तरह के देखो ये बैरिकेड से लगा देते हैं, और सारे साइन बोर्ड भी चेंज कर देते हैं डाइवर्टर के, कि भाई इधर की तरफ हो जाओ डाइवर्ट। और ये रिफ्लेक्टर वाले है भाई साइन बोर्ड, की रात में ना अलग से चमक जाते हैं, तो अच्छी चीज़ है भाई, ये हर देश को फॉलो करना चाहिए, वरना एक्सीडेंट्स ना बहुत होते हैं। स्पेशली आपको याद होगा मेरा XUV 700 का एक्सीडेंट हुआ था कसोल जाते वक्त, तो वो भी इसी रीजन की वजह से हुआ था, क्योंकि रात के 7:30-8 बज गए थे, अंधेरे का टाइम था, एंड रोड की चल रही थी भाई कंस्ट्रक्शन, तो जब हमारे रोड की कंस्ट्रक्शन है तो बंदा दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है, तो हम चला रहे थे उस रोड पे। अब अचानक से कब भाई वो रोड सही हो गई और कब वो रास्ता खुल गया हमारी रोड का, हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि ना तो कहीं पे बैरिकेड थे ना कहीं पे साइन बोर्ड था, और हम चलाए जा रहे थे भाई उस तरफ ही, इतने में सामने से इनोवा वाला आया और ठप से पूरा ठोक गया गाड़ी को। तो मैं पूरी तरह से भाई उस इनोवा वाले की भी गलती नहीं बोलूंगा, मेन गलती थी भाई जो वहां पे रोड बना रहे थे उनकी, क्योंकि उनको साइन बोर्ड लगाने चाहिए थे कि रोड जो है आगे से बन चुकी है, खुल चुकी है, आप डाइवर्ट हो जाओ अपनी तरफ। कोई साइन बोर्ड नहीं था वहां पे, और अगर होगा भी तो अंधेरे में वो दिख नहीं रहा था, क्योंकि वो रिफ्लेक्टिंग वाला नहीं था, तो इसलिए प्रॉब्लम है भाई। हुआ नहीं हमें कुछ, वो तो अच्छा है भाई भगवान की वजह से,
वरना बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं भाई ऐसे उसमें। ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है कि अपना बैरिकेडिंग करो प्रॉपर, और रिफ्लेक्शन वाले जो है वो साइन बोर्ड लगा दो ताकि बंदों को दिक्कत ही ना हो। बाकी आप देख सकते हो भाई स्ट्रीट लाइट वगैरह तो इनकी हर रोड पे ही है पूरी, कहीं पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अभी तक भाई टोल टैक्स नहीं आया। हम बॉर्डर वाली सिटी से चियांग में आ गए 250 किलोमीटर, आज भी 40-50 किलोमीटर चल चुके हैं लगभग, पर कोई भी टोल टैक्स नहीं भरा हमने। लेट्स सी भाई थाईलैंड में टोल टैक्स आएगा भी या नहीं आएगा। वैसे रोड देखोगे तो प्रॉपर बनी हुई है भाई, देखो साइड में रुकने की भी जगह से बना रखी है अलग से, इमरजेंसी लेन भी है अलग से। तो ये 4 लेन हाईवे है, 2 लेन हमारी तरफ 2 लेन उस तरफ, और हल्के फुल्के गड्ढे वड्ढे आते हैं, बट वैसे ओवरऑल कंडीशन सही है सड़कों की। तो मेरे हिसाब से अगर इतनी अच्छी रोड है तो भाई टोल तो ज़रूर आना ही पड़ेगा, मतलब टोल टैक्स आएगा आगे कोई ना कोई। चलो भाई फाइनली इतनी देर बाद फ्यूल स्टेशन भी मिल गया, क्योंकि बिल्कुल डीजल खत्म होने वाला था, धक धक हो रही थी ऐसे, बट मिल ही गया ये वीराने में। लेट्स गो, बस इनके पास डीजल हो वरना पोपट हो जाएगा अपना। पेट्रोल लग रहा है मुझे तो ये, है ना। अबे यार डीजल तो है ही नहीं, पूछते हैं चलो मेरी तरफ करो। और यहाँ लिखा भी नहीं है कहीं पे डीजल है या पेट्रोल है, तो मेरे को ट्रांसलेट करना पड़ेगा डीजल। तो भाई यही डीजल है ये कह रहे हैं, ये देखो इंडियन इंडियन कार। ये देखो भाई मैंने यहाँ ट्रांसलेट करा तो डीजल को थाई भाषा में कुछ ऐसा कहते हैं, और आप मैच कर सकते हो भाई, यही लिखा है यहाँ पे भी। लेट्स गो, प्राइस देख लो भाई, ये है 33.5 बात पर लीटर, तो इंडियन करेंसी में बताऊँ 33.5 × 2.5 83 रुपीज़ लीटर है 1 लीटर डीजल। टंकी हो जाएगी अपनी मस्त फुल एकदम रपचिक, कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं फिर उसके बाद, एक ही में उसमें पहुँच जाएंगे आराम से। अब 190 किलोमीटर बचा है। ये देखो भाई एलपीजी सिलेंडर पड़े हुए इस तरह के, ग्रीन कलर के है ये, और ऊपर से ऐसे है। देखो बिल्लियाँ बहुत है भाई यहाँ, जहाँ हमारा होटल था वहाँ भी बिल्ली थी। हेलो मिसेस, हेलो उठ जाओ, दिन हो गई भाई, इतना काहे सुस्ता रहे हो आलसी। ओए मिस्टर मिसेस इनका तो भाई बड़ा सा वेयर हाउस है, देखो पेंट वेंट भी बेच रहे हैं, इधर अलग शॉप है, उधर देखोगे तो पाइपों की और लोहे का सामान मिल रहा है, और यहाँ पर फ्यूल स्टेशन है, तो एक ही जगह पे इन्होंने काफ़ी चीज़ों का यूटिलाइजेशन कर रखा है। बट अपनी गाड़ी सबसे बेस्ट दिख रही है, देखा चुमेश्वरी एकदम। और ये मेरे ख्याल से भाई पेट्रोल, दिस इज़ पेट्रोल, पेट्रोल गैसोलीन, गैसोलीन गैस, ओके। तो यहाँ भी पेट्रोल को गैसोलीन ही बोलते हैं ईरान की तरह, टर्की की तरह। तो ये पेट्रोल है छोटी मशीन, और वो बड़ा वाला है डीजल। अब इसको डीजल को, इनको तो पता था डीजल ही बोलते हैं, बट वैसे एक्चुअल में क्या बोलते हैं वो नहीं पता मुझे भाई। ऑलमोस्ट 54 लीटर तो आ ही चुका है, होए होए मेरे ख्याल से 57 के आसपास आएगा। ऑटो कट हो गया ना, हो गया ऑटो कट भाई, वही 57 लीटर है टोटल अपना, 1910 बात का समझ लो आप। वैसे देखोगे तो भाई कितना सस्ता डीजल है ना, 33 रुपीज़, बट एक्चुअल में 33 थाई बात है, जो इंडिया के बन जाते हैं भाई 80 रुपये के आसपास। काइंड ऑफ सेम ही है इंडिया और थाईलैंड का डीजल का प्राइस। दे दो पैसा, पैसा दे दो पैसा, कितने देखो ना वहाँ 2000 के आसपास है। ये देखो इस तरह की भाई ईटे वीटे भी मिल रही है कंस्ट्रक्शन के लिए। अरे भाई मुर्गे भी पाल रखे इन्होंने तो भाई, ऑल इन वन काम चल रहे हैं। मैं आया हूँ फिलहाल भाई सुस्सू करने के लिए, बड़ी तेज आ रहा है। इस तरह के टॉयलेट है, कुछ खास नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल ही है भाई। क्या हो रहा है, तारीफ चल रही है मेरी है। ये देखो, हेलो हेलो, कैन आई ट्राई दिस, कैन आई ट्राई, या चलो भाई चला के देख। हाउ हाउ टू स्टार्ट, ऑन ऑन, हाउ टू ऑन, नो स्टार्ट किया किक से, किक कर भाई, ओ ब्रेक चलती है ना, क्या तो क्या, विदाउट क्लच, ट्राई ट्राई, ओके भाई इनका तो क्लच व्लच कुछ है ही नहीं, क्या सिस्टम है, एक लगे, नो क्लच, नो क्लच, नो क्लच, यस, ब्रेक नहीं है सही है भाई, मस्त एकदम क्लच व्लच सब उड़ा रखा है इन्होंने, बट सही है, गुड गुड। व्हाट्स योर नेम, इशित, इशित, या इशित, माय नेम इज अनमोल, 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 यस, चलो। एंड यू, कृष्णा, सोनिका, कृष्णा है मेरा नाम, सोनिका, नो नो हिज नेम इज कृष्णा, सोहन, सोहन, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस, ओके बाय बाय, बाय बाय।
थोड़ा सा भाई 3-4 किलोमीटर का ना ऑफ रूट आना पड़ा था फ्यूल भरवाने के लिए, क्योंकि उस मेन रोड पे तो कोई फ्यूल ही नहीं मिल रहा था हमें कहीं भी, ऐसी है जंगल सा एरिया आसपास ना। बट ठीक है, अपना अब मिल गया तो टेंशन नहीं है, चलो मस्त। ये जो 4x4 है ना, इसकी प्लेसमेंट इतनी गलत है ना, मैंने यहाँ बोतल रखी भाई, बोतल से 4x4 ही एंगेज हो गया, तो इनको कहीं यहाँ कहीं देना चाहिए था पैनल पे। अब इसको हटाना पड़ेगा और फिर हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। भाई अपनी डेस्टिनेशन टोटल 136 किलोमीटर है और एक ये शहर आया, काफ़ी बड़ा शहर है भाई, इसका नाम है बैंगचक, बैंकॉक है जैसे, ये है बैंगचक, चक दे फटे नप दे किल्ली। और यहाँ पे भाई फूरुआ नेशनल पार्क भी है, काफ़ी जगह पे बोर्ड आए हैं इसके, और फ्यूल स्टेशन वगैरह भी काफ़ी है यहाँ पे, देखो 7-Eleven वगैरह, तो वही जैसे चियांग खान शहर था ना उसी लेवल का ये शहर है। यहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ें मिल जाएगी आपको, बट हम अभी यहाँ पे रोक नहीं रहे भाई, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया ड्रोन शॉट्स वगैरह लेते लेते, तो इसलिए अब सीधा खींच रहे हैं, वहीं जाके फिर खा पी लेंगे अगर मिल गया कुछ, पिज़्ज़ा ही मिल जाए भाई, वहाँ तो पिज़्ज़ा भी नहीं मिल रहा था अपने को, वैसे था पोर्क वगैरह वाला पर नॉर्मल पिज़्ज़ा नहीं था कहीं भी। वो देखो भाई होंडा का भी शोरूम है यहाँ पे, तो भाई 80 किलोमीटर रह गया है और आप यहीं से ही जो है वो देख सकते हो किस तरह से पूरे नज़ारे बदल गए हैं। टेम्परेचर भी काफ़ी ठंडा हो गया भाई, वहाँ पे था 38-39 डिग्री, यहाँ पे अभी 28 भी गया था बीच में और अभी फ़िलहाल 33 है, तो ठंडा भी होता जा रहा है थोड़ा सा मौसम उधर के मुकाबले, और ग्रीनरी यहाँ पर बहुत है इसी रीज़न की वजह से। अरे डोगी जी साइड में बैठो भाई, बीच में कहाँ बैठे हो। हाँ तो मैं कहता इसी वजह से ना इसको, इस एरिया को स्विट्जरलैंड बोला जाता है यहाँ का, थाईलैंड का। प्रॉपर भाई पहाड़ी इलाका आ चुका है ये, इतने ज़्यादा टर्न्स आ रहे हैं ना क्या बताऊँ भाई, सर सा चक्कर आ गया, क्योंकि पिछले 25-30 मिनट से मोड़ आए जा रहे हैं और वो भी छोटे मोटे मोड़ नहीं है भाई, बहुत क्रेजी वाले टर्न आते हैं एकदम से पूरा गोल गोल घूमने वाले। थोड़ा सा अभी रोकते हैं भाई, 15-20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि एक तो खाया भी बस सिर्फ ब्रेड बटर हुआ है सुबह से, ऊपर से ये रास्ता तो जी खराब हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी सर दर्द की। बट एक चीज़ अच्छी है भाई, रोड अच्छी बनी हुई है, कम से कम रोड ख़राब नहीं है, हालांकि है सिंगल रोड ही है बट कम से कम गड्ढे वड्ढे नहीं है फालतू के, ऑफ रोडिंग टाइप नहीं हो रही, प्लेन रोड है, तो 60-70 की स्पीड मेंटेन हो पा रही है, इसलिए अब जो 70 किलोमीटर बचे हैं वो एक घंटे में हो जाएंगे कवर अपने। भाई साहब हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और ये देखो बोर्ड आने शुरू हो गए हैं भाई, जिस सिटी में हमें जाना है उसके, तो हल्की हल्की है, पहले भी आई थी फिर रुक गई बूंदाबांदी होके, अब फिर 2-4 बूंदे टपकी फिर बंद हो गई। और एक और ये शहर आया है, इसका नाम है भाई रुंगचाई, रुंगचाई है नाम, मार्केट लगी हुई है भाई, और यह खाने का नहीं मिल रहा यार, पिज्ज़ा विज्जा कुछ तो दे दो यार, हैं अपने हिसाब से तो ये सब कुछ बेच रहे हैं बट हमारे हिसाब से कुछ नहीं मिलता। और इनके लगभग हर शहर में ना एक वॉकिंग स्ट्रीट ज़रूर है भाई, जो बड़े बड़े मेन मेन शहर है ना उनमें आपको, मतलब ऐसी वॉकिंग स्ट्रीट का मतलब होता है एक ऐसी गली जहाँ पे दोनों तरफ मार्केट लगी होती है प्रॉपर, बैंकॉक की पटाया की वॉकिंग स्ट्रीट वगैरह काफ़ी फेमस है, चियांग खान की भी दिखाई आपको शायद, जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ की भी होगी मेरे ख्याल, तो हर जगह है वॉकिंग स्ट्रीट।
रास्ते में ये आया भाई 7-Eleven, इनके पास खाने की चीजें होती है, कुछ मिल जाएगा अपने लायक तो खा लेंगे भाई, वरना तो सही में अब सर दर्द होने लग गया खाली पेट की वजह से भी और जो रास्ते थे उस वजह से भी। सीधा चलते हैं भाई सैंडविचेस या रेडी टू ईट वाले ऑप्शन में, कुछ ना कुछ तो वेज होगा यहाँ पे। ये देखो भाई क्या क्या, ये सब सॉसेजेस है, ये भी नॉन वेज ही है भाई। अरे वोफल मिल रहा होगा, क्रैफल लिख रखा है वोफल की जगह, ये क्या अलग सा भाई मटेरियल। चिकन सॉसेज ब्रेड तो है इनके पास, देखो वेज में कुछ नहीं दिख रहा। पाव भी नहीं है इनके पास यार, वो वाले ना इंडिया में जो मिलते हैं, वरना पाव ले लेता तो अपना पाव भाजी बना लेते होटल पहुंचते ही थोड़ी देर बाद। यहाँ पाव भी नहीं मिल रहे, ब्रेड है, ब्रेड के साथ मन नहीं है खाने का। ये वाले पाव है इस तरह के रेजिन ब्रेड करके, ये हमें अच्छे नहीं लगते। लेकिन सब में भाई रेजिन डाल रखे हैं, प्लेन वाले है ही नहीं पाव, पता नहीं क्या दिक्कत है। एट द एंड भाई इंडिया से लाए हुए बिस्किट ही खाए जा रहे हैं, और तो कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। क्या मस्त भाई साहब क्रेजी ड्रोन शॉट्स आए हैं। ये वाला टाइम ना शाम को बेस्ट होता है, 5:30 बजे, सूरज भी नहीं होता और अंधेरा भी नहीं होता, तो मस्त ग्रीनरी ग्रीनरी देखा ना आपने भाई चारों तरफ, ऐसे हरियाली हरियाली, इसलिए बोलते हैं भाई स्विट्जरलैंड। अभी तो पहुंचे भी नहीं हम, 37 किलोमीटर स्टिल बाकी है भाई 37 मिनट का रास्ता, तो ये राइट मुड़ना इधर से और फिर सीधा सीधा चलते जाना। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, कल वाला व्लॉग मिस मत करना, मैं अभी तो देखूँ जरा, क्योंकि मैं स्विट्जरलैंड जा चुका हूँ भाई, और इंडिया में भी 2-3 लोकेशन ऐसी है जिसको स्विट्जरलैंड बोला जाता है, जैसे कि कश्मीर में पहलगाम हो गया, ठीक है, और अपना हिमाचल में वो है डलहौजी शायद से, तो इसी तरह से थाईलैंड में भी बोला जाता है। अब वो बोलना वर्थ इट है या नहीं है वो देखेंगे। लो जी भाई फाइनली अपनी लोकेशन पहुंच चुके हैं, काफ़ी अंधेरा अंधेरा हो रहा है इस टाइम पे, तो होटल वोटल ढूंढ लेते हैं। और सामने आसमान देखो भाई सब क्या मस्त ऑरेंजिश हो रहा है ना पूरा, देखते हैं भाई कहाँ पे कुछ मिल जाएगा यहाँ पे रहने का सीन क्या है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा एरिया तो लग नहीं रहा मुझे, ये नॉर्मल ही सिटी है कोई। ये भाई साहब तो सो गए थे भाई, क्या बात है आंखें लाल हो गई सोते सोते। चलो भाई बाहर उतरते हैं और फिर देखता हूँ, क्योंकि बैठे बैठे कमर की बैंड बच गई काफी देर। देख लो भाई ये तो गूगल मैप जहाँ लेकर आया, बिल्कुल ही सुनसान सा एरिया है, मेरे को लग रहा है हम थोड़ा सा ना आगे की तरफ आ गए हैं, बस यहाँ पे ये दुकानें दुकून है थोड़ी बहुत, एक दो रिजोर्ट देखे है गूगल पे आसपास चलते हैं वहाँ, वरना तो बैक करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में मैंने शहर देखा था भाई, वहाँ पे दुकानें दुकानें ज्यादा थी, लाइट साइड जली हुई थी प्रॉपर, लेकिन यहाँ इतना कुछ नहीं है। तो भाई ये मिल गया है देखो, द विंटर लोफ्ट खाओ खो, मतलब खाओ खो तो जगह का नाम है, और ये नीचे रास्ता जा रहा है भाई यहाँ से अंदर, यहाँ पे तीन है, द हग गार्डन, द फ्लो एंड ये वाला विंटर वाला, तो मैंने तो विंटर वाला देखा भाई गूगल पे, प्राइजेस लिखे नहीं हुए थे वहाँ पे, पर दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था, तो लेट्स। अरे यार देखो है तो ये यहाँ पे, बट इन्होंने गेट बंद कर रखा है, ये क्या फिर पता कैसे करेंगे हम। रिजोर्ट तक जाने का भाई रास्ता तो बड़ा कैजुअल सा है, देख सकते हो आप पूरा, तो भाई ऑफ रोडिंग करते हुए। तो भाई यहाँ तो इस तरह के टेंट टाइप के बना रखे है, कैंपिंग एक्सपीरियंस 1100 का है, वो लड़की जा रही ना उसने बताया, वो स्टाफ सही है, अभी चाबी लेने गई है, पता नहीं क्या लेने गई है, मैंने कहा एक बार अंदर से दिखा दो, और उधर कहीं इशारा कर रही थी, तो उधर मेरे को लग रहा है वो होंगे पक्के वाले, मतलब ये तो टेंट है ना क्योंकि, तो उसका भी देख लेंगे कितने का है। और वो देखो भाई वहाँ नीचे की तरफ वो है भाई डोम वाले, तो वो हमें जाना था विंटर वाले वैसे में, पर विंटर वाले का रास्ता ही नहीं मिला, पता नहीं कहाँ से है क्या है रास्ता, ये तो कोई और है भाई। चलो इनके पास पार्किंग तो भाई पूरी है यहाँ पे, देख सकते हो एक गाड़ी है लगी, एक हमारी साइड में लग जाएगी बढ़िया। तो यार ये वाले जो है ना डोम वाले, ये भी इन्हीं के ही है, बट ये महंगे है 1800 का, मतलब 4000 रुपये पर नाइट, और ये वाला सही है 1100 का, मतलब कि अपना मोटा मोटा
कितना 3,000 रुपए के आसपास पड़ेगा शायद, 3 में क्यों 2,500 का ही पड़ेगा ना, तो ये तो फिर भी सही है। 2 रात रुकना है, आज की रात और कल की रात, तो 5-6 हजार में हो जाएगा काम। लोक वोक भी लगा सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि लोक नहीं है भाई। भाई ये देखो इस तरह का है, वाईफाई वगैरह सब है, लाइट है, टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट नो, टॉयलेट टॉयलेट, वॉशरूम वॉशरूम, बाथरूम यस बाथरूम, वेयर बाथरूम बाथरूम, इसमें तो नहीं है भाई बाथरूम अंदर, तो ना तो पंखा लग रहा है बस। शो मी वो वाला देखते हैं भाई, अटैच वॉशरूम चाहिए अपने को। हमारा भाई कभी भी प्रेशर बन सकता है, तो वॉशरूम होना चाहिए। पता चले रात को 3 बजे बाहर कह रहे हैं कि बाहर जाके दूर है वॉशरूम। ये भाई थोड़े प्रीमियम वाले हैं, हो सकता है इसके अंदर हो वॉशरूम, बाकी पता नहीं, पर इससे व्यू बहुत तगड़ा आएगा भाई। अरे देखना ये वो वाला नेट वाला बेड टाइप, हाँ इसके दरवाजे भी पक्के हैं। नहीं यार बाथरूम तो बाहर ही है यार, ये थोड़ा प्रीमियम है, इसमें एसी भी लग रहा है अंदर ही, पर बेड भी सिंगल एक ही लगा रखा है इन्होंने, और ये बाथरूम है बाहर इनका। 1800 का बोल रहे भाई ये, लगभग 4,000 रुपए के आसपास, महंगा ही है। पर तो 5 स्टार कोई होटल ही मिल जाएगा यहाँ, 4 स्टार 5 स्टार। तो लो भाई एक और गली में घुस रहे हैं, यहाँ पर है ये द कॉटेज के नाम से, इसका भी रिव्यू अच्छा है भाई गूगल पे। लेट्स सी, पता नहीं कैसे पतली पतली गलियों में बना रखे है भाई, टॉप पॉइंट पे कहाँ पे है, कितना आगे है ये भी नहीं पता। अरे यही तो नहीं है भाई कॉटेजेस, तो यही बने हुए छोटे छोटे से, पर इनकी पार्किंग वार्किंग कहाँ पर है भाई। ये देखो इस तरह के यही लग रहा है मुझे तो सीन, आगे तो भाई जंगल है, ये देखना वो भाई साहब फुल जंगल है। ये भी कॉटेज ही है देखो बड़ा सा भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा अब, ये 2 बोर्ड से तो लगे है और यहाँ देखो रास्ता ही नहीं है। ये है रास्ता भाई जरा सा, अब कहाँ गाड़ी ले जाऊंगा, कहाँ घुसाऊंगा, छोड़ो भाई वापिस ही ले लेते हैं, रिस्की है यहाँ तो मैटर थोड़ा, ऐसे सुनसान उसमें रहना। ये मिला भाई रोड पे संगरिया रिजॉर्ट, लेट्स सी मिलेगा कि नहीं रूम। एक तो भाई बंदा ही नहीं दिख रहा आसपास, कोई पता नहीं जैसे गायब हो गए भाई सारे के सारे, है ही नहीं आसपास कोई भी भाई। नहीं मिला वहाँ तो 8-10 होटल ढूंढ लिए, किसी में डबल बेड नहीं है, किसी में रूम ही नहीं है, किसी का रूम इतना बेकार है, पैसे ज्यादा मांग रहे हैं। तो मैं कह रहा था ना आपको रस्ते में मैंने शायद एक शहर देखा था और वही मेन सिटी सेंटर था, तो वहीं पे जा रहे हैं भाई 6-7 किलोमीटर, होपफुली वही हो मेन शहर, हम शायद से बाहर आ गए हैं। भाई रास्ता देखना सीधी खड़ी चढ़ाई, अभी मैंने फोन टेढ़ा कर रखा है, ये देखो सीधा करने पे ऐसे एंगल पे हम ऐसे, ये देखो पता नहीं भाई तो ये दिखाई तो है एक कॉलोनी टाइप की, इस तरह के बने हुए है झोपड़े से। अब ये पता नहीं रिजोर्ट है या रेजिडेंशियल हाउसेज है, तो ये यहाँ के लोकल लोग है आगे सोहन के आगे जा रहे भाई साहब, ये पता करवा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। 8 बज चुके हैं भाई, 6:30 पहुंच गए थे, 1.5 घंटा हो गया, होटल ही नहीं मिल के दे रहा, ऐसी हालत खराब हो रही है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि होटल या रिजोर्ट टाइप ही है, मतलब मिल जाएगा। तो अभी जो ओनर है वो चाबी लेने गया है दिखाने के लिए, इसमें सिंगल बेड है या डबल बेड है वो देखना पड़ेगा भाई। वैसे लग तो सही रहा, बाहर और पार्किंग भी है प्रॉपर। तो भाई एक्चुअल में ये है तो पूरी सोसाइटी, लेकिन इस वाले घर के जो ओनर है ना उन्होंने रेंट पे चढ़ा रखा है, इसलिए देखो वाईफाई भी लगा रखा है अलग से, बाकी किसी घर में आपको बाहर वाईफाई नहीं दिखेगा। तो चाबी इनको दे रखी है, अब ये देख रहे दिखा रहे हैं 1,000 थाई बाहत का ये बोल रहे हैं, बट अंदर एक ही बेड है, तो हमने कहा एक एक्स्ट्रा मैट्रेस दे देना, उसके ये 450 एक्स्ट्रा मांग रहे थे, मतलब इंडिया के 1,000 रुपये एक मैट्रेस मैट्रेस के, मन गए तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 1200 में अब डील कर लिया, यानी इंडिया के लगभग 3,000 रुपये आप लगा लो, 3,000 रुपये में रूम और एक एक्स्ट्रा बेड, मतलब रूम क्या ये पूरा घर ही है भाई, इसमें बाथरूम किचन सब होगा। सही है भाई 2 रातों के लिए 2400 में, तो 5,000 से थोड़ा ज़्यादा लग तो सही रहा भाई। बना हुआ देखो बाहर सिटिंग है, पीछे जंगल का व्यू, और ये देखो भाई तो एक डबल बेड है, एक ये मैट्रेस दे देंगे आराम से, बढ़िया फ्रिज लग रहा है, किचन नहीं है भाई, मुझे लगा किचन होगी बाथरूम में, अच्छा दे रखा है। अरे हाँ यार कंबल कुंबल तो देंगे फिर, मेरे ख्याल कंबल उम्बल देंगे, वरना तो ये था ही नीचे मैट्रेस, इनको क्यों दे रहे हैं पैसा। और किचन नहीं है यार, मेरे को लगा किचन होगी, बाथरूम है बस, यहाँ फ्रिज तो है। चलो ठीक है यार छोड़ो, एंड ब्लैंकेट दे देंगे, चलो ठीक है ओके। चलो भाई चलो करते हैं यार पार्किंग लगाते हैं, अब ना कमर की बैंड बज रही है आज बहुत ज्यादा, 1.5 घंटा क्या 1.25 घंटे हो गए घूम रहे हैं जब से ओके। तो ये भाई है, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुड नाइट। तो ये लोग वहाँ पे पार्टी शार्टी कर रहे थे, इनको सोहन ने जाके बोला तो ये आ गए हेल्प करवाने। ये पूरी पार्किंग है, यहाँ पे अपनी गाड़ी लग जाएगी आराम से, और यहाँ से जो मेन टूरिस्ट जगह है ना, जैसे वाटरफॉल है यहाँ का एक टॉप व्यू पॉइंट है, वो सारे पास पास ही है, मतलब मोटा मोटा आप लगा लो 3-4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर ही है, तो सही है घूमने में भी दिक्कत नहीं होगी, बस खाने का कुछ जुगाड़ नहीं हुआ,
तो हमें बनाना ही पड़ेगा अब कुछ, चावल फ्राई व्राई, यही जिंदगी रह गई है, क्या करें। लोगों को लगता है ट्रैवलिंग करना आसान है, मजे आते हैं, हमसे पूछो भाई, पूरे पूरे दिन खाली पेट ट्रैवल करो इस उम्मीद में कि रात को कुछ मिलेगा, बट एक्चुअल में रात में भी जाके नहीं मिल रहा, और ये 3 दिन से हो रहा है। परसों तो हमने चलो परांठे वरांठे खा लिए थे बना के, लेकिन कल भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला। देखूंगा भाई, अगर ये बेड ठीक हुआ तो बेड पे सो जाऊंगा, अगर वो वाला स्प्रिंग वाला हुआ ना तो वो और ज्यादा कमर दर्द करता है, तो मैं नीचे गद्दे पे सो जाऊंगा। इन्होंने ब्लैंकेट वगैरह दे दिया, सब कुछ बढ़िया। फ्रिज में जूस भी मिला भाई, जूस है क्या है, विटामिन है, अच्छा मिल्क है, विटामिन का। हमें क्या करना, मिल्क का दाल चावल बनाएंगे, खा के सो जाएंगे काम करके। लो जी लो, अपने चावल अचार और पीली वाली दाल रेडी है, खाते है भाई और फिर सो जाते हैं भाई। खत्म करते हैं वीडियो को भाई, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।